आप सभी का आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। अभी कुछ ही मिनट पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ अनाउंसमेंट्स करी हैं। उन अनाउंसमेंट्स के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है और हम सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि ड्रामेबाज चन्नी साहब पंजाब के लोगों को बरगलाने का, उनकी आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। 4.5 साल कांग्रेस पार्टी ने पंजाब सूबे में पूर्ण बहुमत की मैंडेट होने के बाद भी सबसे निकम्मी सरकार चलाई, सबसे इनकॉम्पिटेंट इनइफेक्टिव सरकार चलाई। 4.5 साल कांग्रेस पार्टी के विधायक, उनके मंत्री और उनके मुख्यमंत्री अपने घरों से, अपने महलों से बाहर नहीं निकले और जनता का कोई काम नहीं किया, और 4.5 साल पंजाब के लोगों को पूरी कंट्री में, इंडिया में, भारत देश में सबसे महंगी बिजली बेच के पंजाब के लोगों को लूट कर 4.5 साल। अब चुनावों से 2-3 महीने पहले लोगों को झूठे वादे करके और उनकी आंख में धूल झोंकने का काम ड्रामेबाज चन्नी साहब कर रहे हैं। चन्नी साहब ये बात भली भांति जानते हैं और कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वेस भी ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत तेज रफ्तार से पंजाब में आगे बढ़ रही है और हर जुबान पे बस एक ही नाम है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार इस बार 2022 के इलेक्शन में बनानी है। आम आदमी पार्टी का बिजली का वादा, केजरीवाल की फ्री बिजली गारंटी देख, जिसमें लगभग 30 लाख परिवार पंजाब के हमसे जुड़ गए, बिजली गारंटी देख सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब, जिन्हें मैं ड्रामेबाज चीफ मिनिस्टर कहता हूं, वो घबरा गए, डर गए और उनको लगा कि बिजली के मुद्दे पे अब कुछ झूठी अनाउंसमेंट्स और वादे किए जाएं और लोगों को झूठ बोला जाए। मैं दो चीजें साफ तौर पे उनकी अनाउंसमेंट्स के मद्देनजर आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली चीज, कांग्रेस पार्टी इस समय देश में कई राज्यों में सरकार चला रही है और सारे राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सबसे महंगी बिजली मिलती है। राजस्थान में महंगी बिजली मिलती है, छत्तीसगढ़ में महंगी बिजली मिलती है, महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस एक अलायंस पार्टनर है वहां महंगी बिजली मिलती है और पंजाब में खूब महंगी बिजली मिलती है। पंजाब बिजली सरप्लस सूबा होने के बाद भी सबसे ज्यादा महंगे रेटों पे अपनी आबादी को, अपने लोगों को बिजली देता है। तो अगर कांग्रेस के विजन में, कांग्रेस पार्टी के विजन में ये होता कि हमें बिजली सस्ती करनी है तो कांग्रेस पार्टी सारे राज्यों में करती, जिन राज्यों में इलेक्शंस नहीं आ रहे हैं उन राज्यों में भी बिजली सस्ती करती। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर बिजली की दरों को कम नहीं किया, वहां पर बिजली खूब महंगी मिल रही है, ताबड़तोड़ रेट पे मिल रही है, लोगों की जेबों पे डाका डाला जा रहा है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है बिजली की, रेट के टैरिफ के चलते लोगों की जेबें काटी जा रही हैं। लेकिन पंजाब में, क्योंकि पंजाब में फरवरी के महीने में इलेक्शन या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा, तो मात्र कुछ ही महीनों के लिए एक चुनावी स्टंट, एक चुनावी जुमला चन्नी साहब ने छोड़ा है बिजली सस्ती करने का। मेरा दूसरा पॉइंट, चन्नी साहब द्वारा, ड्रामेबाज चन्नी साहब द्वारा की गई अनाउंसमेंट सिर्फ एक चुनावी स्टंट और जुमला है और जो भी उन्होंने बिजली की दरों में कटौती दी है वो सिर्फ 31 मार्च 2022 तक के लिए है, यानी कि सिर्फ 5 महीनों के लिए चन्नी साहब ने
ये बिजली की दरों में कटौती पंजाब की जनता को दी है कि 5 महीने उनको सस्ती बिजली देकर उनकी आंखों में धूल डालकर उनके वोट लेने की कोशिश करें और 31 मार्च 2022 को ये चुनावी स्टंट पूरा हो जाएगा और ये बिजली की जो दरें में कटौती जो एक सब्सिडी देकर दी जा रही है वो समाप्त हो जाएंगी। तो मैं पंजाब की जनता को आगाह करना चाहता हूं, उन्हें होशियार करना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि ड्रामेबाज चन्नी साहब के धोखे और उनके चुनावी स्टंट चुनावी जुमलों से हमने बचना है। ये 31 मार्च 2022 तक सिर्फ चन्नी साहब 5 महीने के लिए सिर्फ बिजली की दरों में कटौती कर रहे हैं क्योंकि वो आपका वोट खरीदना चाहते हैं, वो आपकी आंखों में धूल डालकर 4.5 साल की अपनी भ्रष्ट लूट और निकम्मी सरकार का जो दाग है वो मिटाने की कोशिश करना चाहते हैं और 5 महीने के लिए सिर्फ आपको सस्ती बिजली देकर आपका वोट खरीदना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के विजन में, उनके ऑब्जेक्टिव में, उनके मकसद में बिजली सस्ता करना होता तो राजस्थान जहां सबसे महंगी बिजली मिलती है वहां पर भी बिजली सस्ती करते, क्योंकि वहां इलेक्शंस नहीं आ रहे तो वहां बिजली सस्ती नहीं करी गई। अगर कांग्रेस के विजन में होता तो छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां बिजली सस्ती करते, जहां सबसे महंगी बिजली मिलती, पर क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं आ रहे तो वहां बिजली सस्ती नहीं करी गई। महाराष्ट्र जहां भी कांग्रेस की सरकार है बहुत महंगी बिजली मिलती है महाराष्ट्र में, वहां पर बिजली की दरें सस्ती नहीं करी जा रही क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं आ रहे, वहां पर इलेक्शन नहीं है। लेकिन पंजाब जहां पर केजरीवाल साहब ने जाकर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा नहीं गारंटी लोगों को दे दी, वहां पर चुनाव से 3 महीने पहले चन्नी साहब ड्रामेबाज मुख्यमंत्री ये वादा करके लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं। मैं ये साफ कर दूं कि 4.5 साल एक लूट और निकम्मेपन की सरकार चलाने के बाद जब लोगों ने कांग्रेस नामक जहाज को बदलने का मन बना लिया है, वो जहाज जो डूबती टाइटैनिक बन चुका है, आइसबर्ग से भी टकरा चुका है, अब छोटे मोटे रिपेयर से ये नैया ये शिप डूबने से आप नहीं बचा सकते चन्नी साहब। और मैं एक और चीज कह दूं कि लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी साहब ड्रामे करते हैं रोज, केवल कैमरे पे अच्छी तस्वीरें खिंचवाने का उनको शौक है, रोज कई दर्जनों कैमरों के साथ वो कहीं पहुंच जाते हैं, बढ़िया सी अपना फोटो वीडियो बनवाते हैं, अपनी पिक्चर बनवाते हैं और उसी से खुश हो जाते हैं। ये चीजें करकर चुनाव नहीं लड़े जाते, ये चीजें करकर चुनाव नहीं जीते जाते ड्रामेबाज चन्नी साहब। लोगों के लिए काम करना पड़ता है, लोगों की जिंदगी आसान करनी पड़ती है। आपने देखा कि आज से कुछ दिन पहले चन्नी साहब कहीं भांगड़ा डाल रहे थे, किसी दिन गोलकीपर की पोशाक पहन के हॉकी के मैदान में उतर जाते हैं, कहीं चलती गाड़ी रोककर 2 आदमियों से मिलकर फोटो खिंचवाते हैं, उनको सगन पकड़ा देते हैं शादी ब्याह का। रोजाना हम देखते हैं कि इस प्रकार के ड्रामे चन्नी साहब कर रहे हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, चन्नी साहब आप जिस सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं उस सूबे में 3 लाख करोड़ का कर्जा है, उस सूबे पे 3 लाख करोड़ का सूबे की सरकार पे कर्जा, भारत में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी आपके सूबे में, हमारे पंजाब सूबे के किसान पिछले 1 साल से सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, हमारे सूबे पंजाब की कई जनरेशंस नशे ने बर्बाद कर दी। उस सूबे के मुख्यमंत्री को रोजाना भंगड़े डालना, फोटो खिंचवाना, फुटबॉल खेलना, गोलकीपर की पोशाक पहनकर अपनी फोटो खिंचवाना शोभा नहीं देता। ये ड्रामेबाजी करना बंद कीजिए। हमने बहुत देख लिया आप लोगों की कांग्रेस पार्टी की ड्रामेबाजी पंजाब में, पंजाब के लोगों को काम चाहिए चन्नी साहब, इन ड्रामेबाजियों से आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते।
और लोगों की आंखों में धूल झोंक कर आपको लगता है कि 3 रुपए यूनिट बिजली सस्ती कर 5 महीने के लिए लोगों को ये रियायत देकर आप लोगों का वोट खरीद सकते हैं, लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। सब जानते हैं कि 31 मार्च 2022 को आपकी ये बिजली दर की कटौती खत्म हो जाएगी। और मैं आज अंत में बस इतना कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां आपकी सरकार चल रही है वहां वहां पर बिजली सस्ती करो। अगर ये चुनावी स्टंट नहीं है, अगर ये इलेक्शन का जुमला नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी हर उस स्टेट में जहां पर उनकी सरकार है, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, हर सरकार में कांग्रेस पार्टी हर उस सूबे में बिजली की दरें सस्ती करे या बिजली फ्री करे। अगर अगर चुनाव आपका मकसद नहीं है, अगर लोगों का वोट खरीदना आपका मकसद नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाना चुनाव से पहले आपका मकसद नहीं है। हमने देखा था पंजाब में पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कैसे वोट लिए थे। पिछले चुनाव में आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कैप्टन साहब ने जॉब कार्ड बांटे पंजाब के लोगों को और कहा घर घर नौकरी मैं दूंगा। कैप्टन ने सौ चुकी, घर घर नौकरी पक्की। कसम खाते हैं कैप्टन साहब की हर आदमी को नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं मिली। जिस आदमी के साथ फोटो खिंचवाई उस कैंपेन में, उस आदमी तक को नौकरी नहीं मिली, वो भी बेरोजगारी का शिकार है। ये बिजली का वादा ड्रामेबाज चन्नी साहब का कैप्टन साहब के नौकरी के वादे के जैसा है, रोजगार के वादे के जैसा है, इसमें कोई अंतर नहीं। बस इतना है कि चन्नी साहब का ये वादा 3-4 महीने तक आपको नजर आएगा और फिर 3-4 महीने के बाद ये हवा में उड़ जाएगा। मैं पंजाब के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, उन्हें हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि हम इस 5 महीने के फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। 5 महीने की बिजली की कटौती जो 31 मार्च 2022 को समाप्त हो जाएगी, जो सिर्फ हमारा वोट खरीदने के लिए है, जो सिर्फ 4.5 साल की लूट और निकम्मेपन के दाग को मिटाने के लिए, हम उसमें नहीं फंसेंगे। और एक चीज आखिर में, अरविंद केजरीवाल जी की पहली गारंटी पंजाब के लोगों को थी कि केजरीवाल सरकार पंजाब में 24 घंटे 7 दिन बिजली देगी, 24/7 बिजली देगी, फ्री बिजली देगी 300 यूनिट तक, अनइंटरप्टेड सप्लाई बिजली का आएगा। और यह सिर्फ एक आदमी पूरे हिंदुस्तान में करना जानता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में हमने करके दिखाया, आज पंजाब में 10 से 15 घंटे के कट, पावर कट हर जगह लगते हैं, दिल्ली में भी लगा करते थे। लेकिन दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी, केजरीवाल साहब ने पूरी बिजली के विभाग को अपने हाथ में लिया और आज दिल्ली में 24 घंटे 7 दिन बिजली आती है। कोई इन्वर्टर जनरेटर नहीं खरीदता आप दिल्ली में, बिजली सारा समय आती है और बिजली मुफ्त मिलती है दिल्ली वालों को। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक साफ नीयत का नेता बिजली फ्री करना जानता है और बिजली 24 घंटे 7 दिन करना जानता है, तो उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। हम करके दिखाएंगे पंजाब में आने वाले समय में। और ड्रामेबाज मुख्यमंत्री चन्नी साहब से मेरा कहना है कि काम करो, फोटो और वीडियो कम खिंचवाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस संदर्भ में किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछो। पंजाब के जितने भी किसान जो ऋण है वो माफ कर दिया गया। कैप्टन साहब ने ये स्कीम चलाई कि पंजाब के किसानों का जितना भी ऋण है, कर्जा है, डेट है, लोन्स हैं, उसे माफ करेंगे। और एक बहुत बड़ा कैंपेन कर्जा माफी का पंजाब भर में लागू कर दिया। जिस किसान से कैप्टन साहब ने फोटो खिंचवाई थी, उस कैंपेन को जब लागू किया था, उस फोटो को उन्होंने पूरे पंजाब में लगा दिया। जिस किसान के साथ फोटो खिंचवाई थी कर्जा माफी कैंपेन की, उस किसान का भी कर्जा माफ नहीं किया था। गुरदासपुर का रहने वाला किसान था, 2.5 लाख कर्जा था उस पर, उसका भी कर्जा कांग्रेस की सरकार ने माफ नहीं किया। यह है कांग्रेस की असलियत, सिर्फ फ्रॉड, लूट और धोखा करना कांग्रेस को आता है। वही आज पंजाब के लोगों के साथ ड्रामेबाज चन्नी साहब करने जा रहे हैं। कोई सवाल? देखिए, दिल्ली पंजाब में 6th Pay Commission अभी लागू नहीं हुआ, जहां तक मेरी जानकारी है। 6th Pay Commission लागू होगा तो ये जो DA अलाउंस में थोड़ी सी बढ़ोतरी दी है, वो अपने आप नलीफाई हो जाएगी, इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। पिछली बार जब डीए अलाउंस में इन लोगों ने कुछ चेंजेस करे थे
तो लोगों के पास इन हैंड जो सैलरी आती थी उसमें और कटौती हो गई थी, कम पैसा आने लग गया था, बड़ा आंदोलन हुआ था पंजाब में इस विषय पर। तो ये सब भी चुनावी स्टंट है, जुमला है। 3 महीने की सरकार सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट करके 31 मार्च तक कुछ एक आधी स्कीम लागू करके लोगों को झूठ बोलना चाहती है, धोखा करना चाहती है लोगों के साथ। पंजाब के लोग अब समझ चुके हैं, अब वो कांग्रेस की रग रग को पहचानते हैं, वो समझ गए हैं कि झूठे वादे हैं, इसमें नहीं फंसना, कांग्रेस की जुमलों में हमें नहीं फंसना।